रोड पे मतलब तमाम ये गौवंश जो है छुट्टे घूम रहे हैं, उनका एक्सीडेंट हो रहा है आए दिन, उनका कोई सहारा नहीं होता है आए दिन, मतलब ये मरते रहते हैं। वो कहते हैं कि नाक गंधा रहा, गंधा रहा, हटाओ यहाँ से। तो हमने सोचा कि इनकी सेवा की जाए, नौकरी तो सभी करेंगे पर इनकी सेवा कोई नहीं करने को तैयार, इसलिए हमने ये निर्णय लिया कि गायों के बेसहारा गायों की सेवा की जाए। आने वाले समय में इस काम को आप कहां तक ले जाना चाहते हैं, क्योंकि अब आप तो इसमें समर्पित हो चुके हैं और आपने काफी सारे गौवंश हमको सामने दिख भी रहे हैं, 50-60 की संख्या है गौवंश की। आप जो घायल गायें हैं, जो दुर्घटनाग्रस्त हो जाती हैं, उनको यहां पर लाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनका इलाज करवाते हैं, तो इस काम को कहां तक ले जाना चाहते हैं? ये काम हम करते रहेंगे, जब तक हम रहेंगे तब तक ये कार्य करते रहेंगे। उम्मीद करेंगे जो आएगा हमारे बाद वो भी ये सेवा करता रहे आगे तक। नमस्कार, आज हम मिलवाने वाले हैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से जो कि प्रयागराज के अरैल क्षेत्र में रहता है, जिन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़ाई की, ग्रेजुएशन किया और उसके बाद उनका मन गायों की सेवा की तरफ मुड़ा और आज वो गायों की सेवा कर रहे हैं और गायों के लिए, एक ऐसी गायों के लिए जो कि एक्सीडेंटल केस में आती हैं, जिनकी दुर्घटना हो जाती है, तो दुर्घटनाग्रस्त गायों के लिए काफी काम कर रहे हैं। आइए जानते हैं, उनसे आपको मिलवाते हैं, रूबरू करवाते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरह से एक व्यक्ति अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद गायों की तरफ मुड़ता है और गायों के लिए समर्पित हो जाता है। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार जी। आपके विषय में हमें जानकारी जो हुई वो ये कि आपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है, तो अगर आपके हम जीवन काल के विषय में जाने, आपका जीवन कैसा रहा और जो विश्वविद्यालय से पढ़ाई पूरी करने के बाद अचानक आपका जो रुझान है गायों की तरफ हो जाता है, तो ऐसा कैसे हुआ? ये ऐसा ऐसे हुआ कि रोड पे मतलब तमाम ये गौवंश जो है छुट्टे घूम रहे हैं, उनका एक्सीडेंट हो रहा है आए दिन, उनका कोई सहारा नहीं होता है आए दिन, मतलब ये मरते रहते हैं। वो कहते हैं कि नाक गंधा रहा, गंधा रहा, हटाओ यहाँ से। तो हमने सोचा कि इनकी सेवा की जाए, नौकरी तो सभी करेंगे पर इनकी सेवा कोई नहीं करने को तैयार, इसलिए हमने ये निर्णय लिया कि गायों के सहारे गायों की सेवा की जाए। आपका जो ग्रेजुएशन आप बता रहे थे कि आपने ग्रेजुएशन किया है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, कब की बात है ये, और वो पढ़ाई के दौरान अचानक से ये आपने एक नया काम शुरू कर दिया, तो परिवार वालों की जो प्रतिक्रिया रही वो कैसी रही होगी? ये परिवार वाले तो हमें मतलब अपने से पूरा मतलब पढ़ाई घाई करने की ये कहते थे, तैयारी करो तैयारी करो, लेकिन हमने कहा कि तैयारी तो कोई ना कोई करेगा ही, कोई ना कोई नौकरी करेगा, जिसको जरूरत है नौकरी करेगा, जिसको इनकी जरूरत है वो ये सेवा करेगा, इसलिए हमने गौ सेवा चुन लिया। आने वाले समय में इस काम को आप कहां तक ले जाना चाहते हैं, क्योंकि अब आप तो इसमें समर्पित हो चुके हैं और आपने काफी सारे गौवंश हमको सामने दिख भी रहे हैं, 50-60 की संख्या है गौवंश की। आप जो घायल गायें हैं, जो दुर्घटनाग्रस्त हो जाती हैं, उनको यहाँ पर लाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनका इलाज करवाते हैं, तो इस काम को कहाँ तक ले जाना चाहते हैं? ये काम हम करते रहेंगे, जब तक हम रहेंगे तब तक ये कार्य करते रहेंगे। उम्मीद करेंगे जो आएगा हमारे बाद वो भी ये सेवा करता रहे आगे तक। जो आगे आने वाली पीढ़ी है उससे उम्मीद करते हैं वो भी सेवा करती रहेगी और आप जब तक हैं तब तक ये काम अनवरत चलता रहेगा। आय का कोई साधन नहीं है तो कैसे संभव हो पाएगा इस जगह पर बैठे हुए, चूंकि ये ऐसी जगह है जहाँ के विषय में बहुत कम लोग जानते होंगे, तो कैसे संभव हो पाएगा इतने बड़े गौवंश की संख्या को बराबर खाना दे पाना, बराबर चारा दे पाना, कैसे आपको लगता है कैसे संभव हो पाएगा? जी, गौ माता स्वयं ही सर्वशक्तिमान है, वो अपने मतलब सहयोगियों को स्वयं बुला लेती हैं, जब उनको सहयोग की आवश्यकता पड़ती है तो सहयोग करने वाले स्वयं चढ़ के आ जाते हैं उनके पास। तो गौ माता सर्वशक्तिमान है, अगर उनको किसी को बुलाना है तो खुद ही बुला लेंगी, खुद ही प्रेरणा देंगी, ऐसा पंडित जी का कहना है। तो ये थे हमारे साथ धर्मेंद्र स्वामी जी महाराज, जो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद गौसेवा की तरफ उन्मुख हुए हैं और अब ये पूरी तरह से गौसेवा कर रहे हैं और अपने आप को इसके लिए समर्पित किए हुए हैं। इनका कहना है कि जब तक हमारा जीवन है
तब तक हम ये काम करते रहेंगे और उसके बाद आने वाली जो पीढ़ी है उससे भी हम उम्मीद करेंगे कि वो इसको आगे बढ़ाएगी, इसको सुचारू रूप से संभाले हुए आगे बढ़ती जाएगी। मिलते हैं फिर से कुछ ऐसे ही व्यक्तित्व के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।